नमस्कार, मैं प्रशांत मिश्रा इग्नो से MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हूँ। क्या होता है कि जब एडमिशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद से हमारा इनरोलमेंट नंबर मिलता है, और इनरोलमेंट नंबर मिलने में ही 25 से 30 दिन यानी अप्रॉक्स 1 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद से जो हमारा स्टूडेंट्स का सबसे मेन इशू रहता है वो होता है कि अगर हम अपना इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड जनरेट करने के बाद से किसी भी इग्नो के पोर्टल पर जाकर के एज ए स्टूडेंट लॉग इन करें तो लॉग इन में इशूज आती है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपका इनरोलमेंट नंबर मिले हुए अभी रिसेंटली में मिला है तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। अप्रॉक्स 14 से 14 दिन तो होता है, वैसे ऑफिशियल टाइम 14 दिन है, लेकिन आपको 20 से 25 दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद से आप कहीं लॉग इन में पोर्टल पर जाएंगे तो लॉग इन करने में आपको इशू नहीं आएगा, लॉग इन हो जाएगा। आपका कुछ ऐसा इनवैलिड दिखाएगा अगर लॉग इन अपडेट नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि वहाँ के जो स्टडी सेंटर पे था, बनारस के स्टडी सेंटर पे गया जाया गया था, तो वहाँ पे जाकर के पूछा गया था वहाँ के जो प्राचार्य थे, तो उनसे पता चला कि ये कि जो इनरोलमेंट नंबर रहता है उसको कहीं और, जो भी स्टूडेंट के जो भी डेटा रहता है वो अलग अलग पोर्टल पर अपडेट करने में टाइम लगता है, इसीलिए वो टाइम ड्यूरेशन जो रहता है 1 महीने का लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे करीब करीब 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक सेमेस्टर में वहाँ पे इग्नो में एडमिशन लेते हैं, तो फिर ये इशू रहता है। तो इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं है, आप वेट कीजिए। और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, और आप हमारे चैनल को चेकआउट करिए स्टडी मटेरियल को लेकर के, और असाइनमेंट को लेकर के भी वीडियो बना चुके हैं कि असाइनमेंट के सोर्सेस क्या होंगे, असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पोर्टल पर लॉग इन कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।